खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंगौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रदेश में 12वीं तक सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश, ऑनलाइन चलेगी क्लासें। भाजपा ने प्रत्याशी चयन के लिए 24 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का किया गठन। भाजपा महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए किया महामृत्युंजय मंत्र जाप। सीतापुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, आज फिर मिले नए 3 संक्रमित। परिवहन विभाग व यातायात पुलिस ने चलाया रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान। डीएम का फरमान, गांव में 100% टीकाकरण कराने वाले प्रधान होंगे सम्मान। महमूदाबाद में 15 करोड़, सेवता क्षेत्र में 10.2 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। डीएम ने दी अवैध अड्डों स्थानों से बिक्री वाली अवैध मदिरा का सेवन न करने की सलाह। यूपी में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार से स्कूलों को बंद करने समेत कई पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया है। शासन की ओर से पूरे प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों में 16 जनवरी तक अवकाश घोषित करने तथा 11वीं 12वीं विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बच्चों को पुष्टाहार उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाएगा। आज से नाइट कर्फ्यू का समय भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजधानी के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 9 जनवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार को नोएडा में प्रस्तावित कार्यक्रम भी रद्द हो गया है। इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या गोंडा बस्ती का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। हालांकि अखिलेश बिना लाव लश्कर गोंडा व अयोध्या में जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने से पहले भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए 24 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से गठित समिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश सरकार में 2 मंत्री तथा 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, प्रदेश सह महामंत्री संगठन कर्मवीर सिंह, बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धौरहरा सांसद रेखा वर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री सांसद अरुण सिंह भी समिति में हैं। भाजपा की चुनाव समिति में प्रदेश वित्त कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, प्रदेश सरकार में कानून मंत्री बिजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राष्ट्रीय मंत्री सांसद विनोद सोनकर, सांसद राजवीर सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक सलील बिश्नोई, प्रदेश महामंत्री एमएलसी अश्वनी त्यागी को शामिल किया गया। पदेन सदस्य भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सांसद गीता शाक्य, विशेष आमंत्रित सदस्य उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद राधा मोहन सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विधायक संजीव चौरसिया, प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा, राष्ट्रीय मंत्री प्रदेश सह प्रभारी वाई सत्य कुमार को बनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में राजस्व विभाग के 57 नायाब तहसीलदारों तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 141 प्रवक्ताओं व 69 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सीएम ने बिना नाम लिए पहल की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भर्ती शुरू होते ही कुछ परिवार झोला लेकर
वसूली के लिए निकल पड़ते थे और गड़बड़ी साबित होने पर खामियाजा सरकारी अफसरों को भुगतना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पारदर्शी व ईमानदारी से भर्ती कार्यवाही की है और 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे के नेतृत्व में जिले के सभी 40 मंडलों में 51 स्थानों पर महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना को लेकर मंदिरों में जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया गया। जिलाध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे ने कहा, पंजाब सरकार द्वारा किया गया कृत्य निंदनीय है, ऐसी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मौके पर लक्ष्मी पांडे, ममता डुडेजा, दीप शिखा जायसवाल, निधि सिंह, युविका प्रशून, संध्या सिंह, प्रीति वर्मा, जूही जायसवाल, कंचन वाजपेयी, आशा शर्मा, सीमा, पूजा संगीता, नीलम सिंह, रीना आदि मौजूद थी। कोहरे, बरसात व खराब मौसम के मद्देनजर परिवहन विभाग व यातायात पुलिस सीतापुर द्वारा डालमिया चीनी मिल, रामकोट समेत अन्य स्थानों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 12 ट्रकों, 127 ट्रैक्टर ट्रॉलियों सहित 150 से अधिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगवाए गए। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण पांडे द्वारा बताया गया कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से अन्य वाहनों, पैदल रिक्शा व अन्य सड़क प्रयोगकर्ताओं को वाहन की जानकारी मिल जाती है, जिससे लोग सतर्क हो जाते हैं। यातायात निरीक्षक फरीद अहमद ने बताया कि अधिकतर मामलों में दुर्घटनाओं का कारण एक चालक द्वारा दूसरे वाहन, पैदल यात्री, मोटरसाइकिल सवार को सही तरीके से देख ना पाना होता है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों व अन्य वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के प्रयोग से सड़क दुर्घटनाओं एवं उसके फलस्वरूप होने वाले मृत्यु व लगने वाली चोट में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। बिना रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के संचालित 13 वाहनों तथा मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध एक वाहन सहित 37 वाहनों का चालान किया गया। पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में खिलवाड़ का आरोप लगाकर भड़के हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने शहर के लालबाग चौराहे पर पंजाब सरकार का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष मनीष लाठ के नेतृत्व में पुतला दहन के बाद राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग संगठन ने की है। इस मौके पर अनुराग रोशन, प्रकाश श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव, गोपी राठौर, मनीष मिश्रा, अंकित तिवारी, रवि पांडे, संदीप कश्यप, शैलेंद्र द्विवेदी, लोकुश मिश्रा, प्रशांत अवस्थी, आकाश श्रीवास्तव, हर्षित पांडे, अजय द्विवेदी, हनी अरोड़ा, अंशु तुषार गुप्ता, सौरभ गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, सौरभ अवस्थी आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखने व कोविड का पालन करने पर बैठक में संघ जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, जिला मंत्री संकेत वर्मा, कोषा अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव, वंदना दीक्षित, डॉक्टर अनुपम मिश्रा, प्रदीप वर्मा, रत्नेश मिश्रा, मदनलाल, विवेक पंडित, राजेश गुप्ता, महेंद्र पांडे, सिद्धार्थ पटेल, सच्चिदानंद अवस्थी, अश्वनी सिंह, गिरजेश अवस्थी, नसीर अहमद, प्रदीप मिश्रा, शिव सिंह, अमित त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, उमेश सिंह सहित अन्य विकास खंडों के अध्यक्ष, मंत्री व पदाधिकारी मौजूद थे। कमलापुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संरक्षक मोहम्मद इस्तियाक की अध्यक्षता में सर्वसम्मत से आशुतोष मिश्र को अध्यक्ष एवं रवि तिवारी को महामंत्री तथा परवेज खान को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया, जबकि अरविंद दीक्षित को कोषा अध्यक्ष पद पर पुनः चयनित किया गया। नई कार्यकारिणी गठित होने पर यूनियन के सदस्य अमर सिंह, हेमेंद्र यादव, अंकुर गुप्ता, नीरज रस्तोगी, विनीत दीक्षित, आशुतोष सिंह, संदीप मिश्रा, उत्कर्ष आदि ने हर्ष व्यक्त किया। नए पदाधिकारियों ने इस समय चल रही कोरोना महामारी से समस्त जनता को बचाने में यथासंभव प्रयास करने का संकल्प भी लिया। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मुनीस गाजी ने शहर में गजानन कॉम्प्लेक्स के पास बच्चों को केला, बिस्कुट, चॉकलेट वितरित किया। इस दौरान मुनीस गाजी ने जरूरतमंदों की हर संभव सहायता का संकल्प भी लिया। इस मौके पर नदीम गाजी, प्रदीप सिंह, सनी सिंह, अरजीत सिंह, मोबीन रेहान आदि मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पतवारा महमूदपुर गिरुहा में इन दिनों खनन माफिया सक्रिय है। रात के अंधेरे में धरती का सीना चीर कर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। खनन की मिट्टी ढुलाई के दौरान नवनिर्मित सड़कों पर गिर रही है। सड़क पर गिरने वाली मिट्टी अब मलबा में तब्दील होने से राहगीरों को आवागमन दुश्वार हो रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार प्रत्येक गांव को अच्छी सड़क उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया सड़कों की सूरत बिगाड़ने पर तुले हुए। सिदौली तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत हुसैनगंज व जुधौरा में किसानों द्वारा सैकड़ों आवारा पशुओं को प्राथमिक विद्यालयों में बंद करने के बाद भी प्रशासन ने भूखे प्यासे मवेशियों की कोई सुध नहीं ली, जिसे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण 24 घंटे बीतने के बाद पशु भूख व प्यास से तड़प रहे हैं। हुसैनगंज के ग्रामीणों ने SDM सिधौली को लिखित शिकायती पत्र देकर विद्यालय में बंद आवारा पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की मांग की है। दूसरी तरफ जुधौरा गांव और सिधौली के मोहल्ला संत नगर में भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट के प्रदेश महामंत्री मयंक सिंह के नेतृत्व में आधा सैकड़ा से ज्यादा आवारा पशुओं को प्राथमिक विद्यालयों में कार्यकर्ताओं द्वारा बंद किया गया। संगठन के कार्यकर्ताओं का भी आरोप है कि प्रशासन की तरफ से भूखे पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। उधर प्राथमिक विद्यालय रामपुर मथुरा प्रथम में हजारों की संख्या में पशुओं को ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। प्रशासन वहां भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के में मकनपुर गांव जाने वाले मार्ग के निकट लगभग आधा दर्जन से अधिक ईंट भट्टा संचालित है, जिनकी वजह से मकनपुर लहरपुर संपर्क मार्ग अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। दरअसल ईंट भट्टा पर ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से ढुलाई कर जाने वाली मिट्टी की वजह से यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब हल्की बारिश में फिसलन भी कीचड़ व मिट्टी के चलते राहगीरों का आवागमन दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों को जान का जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। इस संपर्क मार्ग की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अनुजा हॉस्पिटल कमलापुर द्वारा आज मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुफ्त जांच व दवाएं वितरित की गई। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप ने फीता काटकर किया। डॉक्टर पूजा वर्मा ने कुंवर दिनकर प्रताप सिंह को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर GP तिवारी, डॉक्टर वैभव वर्मा, डॉक्टर रूपेश कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर बाजपेयी, मधु कृष्ण पांडे, अनुराग जायसवाल, ऋषि मिश्रा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ परिसर में कमाल सराय उदासीन आश्रम के प्रबंधक बजरंग मुनि द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व प्राणों की रक्षा हेतु मां बगलामुखी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्मा तथा स्थानीय निवासियों ने मां बगलामुखी से प्रधानमंत्री के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना करते हुए हवन किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस संबंध में पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर रामू गुप्ता, अंकित गुप्ता, बाबूराम गुप्ता, हरद्वारी बाबा, आनंद अवस्थी, संदीप अवस्थी, दिलीप गुप्ता, मनोहर लाल आदि मौजूद थे। जनसेवा समिति बिस्वा के तत्वाधान में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन ब्रजेंद्र सिंह इंटर कॉलेज टिकरा में संपन्न हुआ। इस शिविर में डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य, डॉक्टर पंकज कुमार मौर्य नेत्र चिकित्सक द्वारा कुल 410 मरीज देखे गए और 90 मरीज ऑपरेशन के लिए सीतापुर आंख अस्पताल में भर्ती कराए गए। इस मौके पर महेश कुमार मौर्य, वीरेंद्र कुमार मौर्य, राम दुलारी, डॉक्टर लतीफ, दयाराम, राकेश सिंह, अजय पाल सिंह, सुनील यादव, राम प्रताप वर्मा आदि मौजूद थे। रेवसा उपकेंद्र का केबल खराब होने से बिजली आपूर्ति अनिश्चित समय के लिए बाधित हो गई। दरअसल बीती रात से हो रही धीमी बारिश के चलते 132 बिस्वा मुख्य पावर हाउस की विद्युत लाइन से रेवसा उपकेंद्र की आपूर्ति लाइन में खराबी आ गई, जिसमें मुख्यालय समेत करीब 1000 गांव की बिजली आपूर्ति अनिश्चित समय के लिए बंद हो गई। विद्युत उपकेंद्र के कर्मियों द्वारा केबल को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उपकेंद्र के CCO ने बताया कि केबल सही किया जा रहा है, जल्द आपूर्ति चालू की जाएगी। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद में मदिरा की मांग बढ़ने की संभावना है, लिहाजा अवैध मदिरा के कारोबारियों द्वारा मदिरा की तस्करी तथा अवैध रूप से मदिरा तैयार कर उसकी बिक्री किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। DM ने अवैध अड्डो स्थानों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करने की सलाह आम जनमानस को दी है, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना जनहित में आयुक्तालय प्रयागराज के टोल फ्री नंबर 1445 एवं
9454660019 तथा जनपद के प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को उनके CUG मोबाइल नंबर पर अवश्य दें ताकि कार्रवाई की जा सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर द्वारा सहगल धर्मशाला में प्रतिभा संगम के निमित्त भाषण, गायन, सांस्कृतिक नृत्य, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। शुभारंभ प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी, जिला प्रमुख मनु शर्मा व नगर अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा गुप्ता द्वारा माँ सरस्वती व विवेकानंद के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर किया गया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर नेहा कुमारी, डॉक्टर नीतू सिंह, डॉक्टर दीप्ति सिंह, शिवम त्रिवेदी, अमन त्रिपाठी शामिल थे। संचालन नगर सहमंत्री अलख कांत श्रीवास्तव द्वारा कराया गया। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप, जिला सह संयोजक शिवम वर्मा, नगर सहमंत्री आकाश मिश्रा, आयुष सौरभ यादव, प्रबल वाजपेयी, आलोक पांडे, शिवम श्याम अनुराग आलोक आदि मौजूद थे। महमूदाबाद के एक निजी लॉन में आयोजित शिलान्यास एवं सम्मान समारोह में आज जिला पंचायत के माध्यम से महमूदाबाद में 15 करोड़ और सेवता क्षेत्र में 10.2 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की आंधी चल रही है, जिसके चलते विधानसभा क्षेत्रों से टिकट की बड़ी संख्या में दावेदारी भी सामने आए हैं, किंतु किसी एक को ही पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। समस्त कार्यकर्ता अपने को प्रत्याशी मानकर भाजपा का कमल निशान देखें। भाजपा जिला अध्यक्ष अश्विन मल्होत्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने तकरीबन 5 सैकड़ा से अधिक बूथ व मंडल अध्यक्षों को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन सुरेश वर्मा, पंकज जैन, संतोष सिंह, मोहन बारी, अतुल वर्मा, आशा मौर्य, राम प्रवेश प्रजापति, रमाशंकर वर्मा, लेखा गुप्ता, अतुल चित्रांश, मृगांक वर्मा, नीरज वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ल आदि मौजूद थे। विधानसभा बिसुआ से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रहे अभिनव राजा भार्गव ने आज कमलापुर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सिदौली में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदानित निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र की उप समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पंचायत अध्यक्षा मीना राजपूत ने की। संस्था के सचिव बीना खुराना ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी को मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले संस्था द्वारा 63 केस पंजीकृत किए गए थे, जिसमें 24 केसों का निस्तारण किया गया है। बैठक में अधिशासी अधिकारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक में आनंद खुराना, क्षय रोग अधिकारी मुसाफिर यादव, संतोष यादव, रमेश चंद सैनी, काउंसलर रूपाली शुक्ला, काजल राय मौजूद थी। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में SDM BL मौर्य तथा CO सुनील कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बच्चों के साथ बातचीत की। उन्हें निर्वाचन के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ बच्चों को टीकाकरण के बारे में भी बताया तथा तुरंत बच्चों को के टीकाकरण की व्यवस्था कराई, जिसमें विद्यालय के कुल 45 छात्र छात्राओं का टीकाकरण कराया गया। SDM ने 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का अति शीघ्र टीकाकरण कराने के लिए प्रधानाचार्य अवधेश कुमार को निर्देशित किया। सभी बच्चों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित भी किया गया। सीतापुर में कोरोना का प्रसार हर दिन तेज होता जा रहा है। आज जिले में फिर 3 नए मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही अब सीतापुर में कोरोना के एक्टिव केस 10 हो गए हैं। इनमें एक मरीज लखनऊ में भर्ती है और 9 मरीज के होम क्वारंटीन है, जबकि आज 1813 सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति से कोविड गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने की अपील की है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के सभागार में कोविड टीकाकरण संबंध में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक संपन्न हुई। DM ने बताया कि 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के विद्यालयों, महाविद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन हेतु टीकाकरण के दिन एवं उसके अगले दिन का विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यालयों, महाविद्यालयों को ही टीकाकरण का केंद्र बनाया जाता है तो विद्यार्थी टीकाकरण के पश्चात घर जा सकेंगे एवं उन्हें अगले दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। 15 से 18 वर्ष या इसके ऊपर की उम्र के विद्यार्थियों को 15 जनवरी तक टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज वर्चुअल माध्यम से ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर
उनकी ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण पूर्ण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान अपने गांव के लोगों को टीकाकरण कराने के प्रति जागरूक करें तथा भ्रांतियों को दूर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण कार्य पूरा हो जाएगा उनके ग्राम प्रधानों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आई इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम।